मुझे बोलने का मौका। लास्ट चांस दे रही हूँ तुझे मैं, वरना झूठ बोलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे बाहर तभी निकालूंगी जब तू सच बोलेगा, वरना तुझे डुबा डुबा के पानी की मौत मारूंगी। समझी? मत कर इमोशंस। दीवी मैं तेरी दी हूँ। कोई दी नहीं, कोई देवी नहीं, कोई बहन नहीं। मैं पिशाच नहीं हूँ। दीवी ये क्या कर रही है? इसे टॉर्चर करना बंद कर। प्लीज रुक जा, मत छोड़ दे। इसे छोड़ दूँ मैं? इसने तुझे बताया था ना मेरे बारे में? इसको छोड़ दूँ मैं? नहीं नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे सब अपने आप पता चल गया। प्लीज बंद करो। रियली? हाँ, पूरी फैमिली को जंगल में पिकनिक ले जाने के बारे में कौन सोचता है? किसी ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन तूने सोचा। अपनी फैमिली को ऐसे भयानक जंगल में ले जाने वाली दीवी मेरी दीवी हो ही नहीं सकती। मैं वहां खंडर में अकेले फंसी थी, मेरी जान जोखिम में थी, और तू घर चली गई। अपनी दी को ऐसे अकेले मौत के कुएं में सुकून से छोड़ के चले जाने वाली दीवी मेरी दीवी हो ही नहीं सकती। फिर जब मैं घर वापस आ गई तो मेरे कमरे में छिप छिप कर ये देख रही थी कि मुझे कोई बड़ी चोट क्यों नहीं आई, मैं बच कैसे गई, मेरे बचने का कारण क्या है। मेरे जिंदा रहने पर अफसोस करने वाली, मेरे जीने का कारण देखने वाली दीवी मेरी दीवी हो ही नहीं सकती। तो तू बहुत बड़ी जासूस हो गई है। हाँ, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। तो तू ये कहना चाहती कि मेरा पिकनिक का आइडिया मुझ पे भारी पड़ गया? मैंने खुद अपने राज खोल दिए। नहीं, ये सब तो बहुत छोटे मोटे सुराग है। तेरा राज तो टीका लगाने से पहले ही खुल गया था। मैंने देखा जब मैं सबको टीका लगा रही थी तो कितना डरी हुई थी इस डर से कि तेरा राज ना खुल जाए। पर तेरा राज तो पिकनिक जाने से पहले ही खुल गया था। जब तू मुझे अपने पास नहीं आने दे रही थी, मैं तुझे हक करने आई थी, पर तूने मुझे टच नहीं करने दिया। और आज शाम को जब मैंने सबको टीका लगाया, सबका माथा छुआ, तब मैंने देख लिया कि कोई दूर से दूर तक पिशाचनी के बारे में नहीं सोच रहा था। सिर्फ तुझे ही टीका नहीं लगाया था, तेरा ही माथा नहीं छुआ था। मैं तभी समझ गई थी, सब समझ गई थी। अब मैं तेरा सच जानती हूँ। इसे टॉर्चर करना बंद कर। तू रोकेगी मुझे? हाँ, तू रोकेगी, क्योंकि तू दृष्टि है, आगे का फ्यूचर दिखता है तुझे। उसके बाद क्या हेंगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू मेरा, समझी? याद है मम्मा ने उस रात पिशाचनी को रेलवे स्टेशन पे कैसे रोका था? याद आया? ऐसे उस रात उनके पास उनके गुरुजी का दिया हुआ रक्षा कवच था, मेरे पास चिरंजीव जी का दिया हुआ रक्षा कवच है जो रोमी ने मुझे दिया था। नहीं छोड़ूंगी, तेरा हाथ तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। याद है मम्मा ने कहा था कि हाथ नहीं छोड़ना? क्यों कहा था वो याद है? क्योंकि शक्तियाँ सिर्फ तेरे पास नहीं, मेरे पास भी है दीवी। छोड़ मेरा हाथ। और मम्मा ने कहा था अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करने। भागो शिकार, भागो। तू कोशिश मत कर। तेरा हाथ तो मैं नहीं छोड़ने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं टूट जाऊंगी, पर मेरी माँ को दिया हुआ वादा नहीं तोड़ूंगी। तेरी माँ ने मेरा हाथ सिर्फ 2 सेकंड के लिए पकड़ा था। 2 सेकंड हो गए और तेरी माँ हारी थी, मैं जीती थी, समझी? So stop this emotional lecture. तेरी माँ की emotional story मुझे मत सुना। वो तेरी माँ थी, मेरी नहीं। और अभी अभी तुमने इस शिखर को बचाया, इसको यहाँ से भगाया। इसने हम दोनों को उल्लू बनाया था, पता है? इसने पिशाचनी के लिए हम दोनों को टेरिस पे लेके गया था। ऐसा नहीं था कि वो हमारा हेल्प कर रहा था, वो पिशाचनी का हेल्प कर रहा था, उसका प्लान एग्जीक्यूट कर रहा था। इसने हम दोनों को उल्लू बनाया ताकि पिशाचनी आए, हम दोनों को मार के चली जाए। और फिर पिशाचनी ने तुझे अपने वश में कर लिया। फेस तो देखो, कितनी इमोशनल हो गई हो तुम। दीवी को कैसे पता? शिखर ने तो हम दोनों को उल्लू बनाया था ना, ये तो पिशाचनी को पता है।
क्योंकि पिसाच ने शिखर को भेजा था अपना प्लान एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब भी नहीं समझी तू? पिसाचिनी ने किसी को अपने वश में नहीं किया था। मैं पिसाचिनी बन गई हूँ। नहीं, तू पिसाचिनी नहीं है। पिसाचिनी तेरे अंदर है और तेरे अंदर मेरी छोटी बहन मेरी देवी है। मेरे मम्मा पापा को मार के उनको तो मुझसे छीन लिया तूने। लेकिन तुझे क्या लगा तू मेरी बहन को भी छीन लेगी मुझसे? छीन लेगी? छीन लिया? नहीं, ये तेरी गलत फहमी है। मेरे सामने जो खड़ी है वो मेरी छोटी बहन मेरी दिवी है। और तू दुनिया की सबसे बड़ी कायर है। तूने मेरी बहन का शरीर, उसका चेहरा, उसकी पहचान ली है। देखना, मैं अपनी बहन को तेरी चंगुल से छुड़ा के ही रहूंगी। ये एक बहन की कसम, एक बेटी का वादा है तुझसे। अच्छा, तुझे क्या लगता है तू ये सब कुछ करेगा? मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? मैं कुछ नहीं करूंगी। नो स्वीटहार्ट, तू सोच भी नहीं सकती मैं तेरे साथ क्या करने वाली हूँ। तेरी बहन को तो मैं ले गई, उसके अंदर का काल विजय रत्न का आधा हिस्सा भी ले गई। अब तेरी बारी। अपनी बहन की जिंदगी वापस नहीं ले आती, तू मुझे हजार मौत दे दे, मैं मरने वाली नहीं हूँ। देखना, मैं अपनी छोटी बहन, अपनी दीवी को वापस लेकर आऊंगी। एक दिन तू ही मुझे दी कहकर पुकारेगी, फिर से मेरी छोटी बहन मेरी दिव्या बनेगी। मैं तुझे बचाऊंगी दीवी। दीवी नहीं, दिव्याचिनी। अब यही नाम, यही पहचान। आज से मैं दिव्याचिनी।